हेलो दोस्तों, लान इंटरनेट चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे अपने वीडियो पे जो है बॉटम स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड कर सकते हो न्यूज चैनल जैसा, जिससे कि दोस्तों आपका वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो मैंने जो है बॉटम स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। आप लोग इसको कैसे काइंड मास्टर पे बना सकते हो आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर से देखते रहना। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन को ऑन कर देना, इसी तरीके और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग पहले काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करके आप लोग वहाँ पे टाइटल पे कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग 16:9 रेशियो पे सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करना है। उसके बाद आप लोग इस पेज पे पहुँच जाओगे। इस पे वीडियो पे आप लोग स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आप लोग सिलेक्ट करना। मैं यहाँ पे मीडिया पे जाके मैं एक कॉपीराइट फ्री वीडियो इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइमलाइन पे जो है कॉपीराइट फ्री मेरा वीडियो आ चुका है। अभी आप लोगों को क्या करना होगा, अभी आप लोगों को जो भी टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे डालना चाहते हो, स्क्रॉल करते हुए देखना चाहते हो, राइट से लेफ्ट तक जाना एनिमेशन होते हुए देखना चाहते हो, आप लोग उसको लिख लेना पहले। तो यहाँ पे लेयर पे जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप लोग कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने पहले ही लिख कर रखा हो तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, अब ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट आ चुका है। इसका जो फॉन्ट साइज है छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो आप लोग। तो मैंने इसको जो है एक मीडियम साइज कर लिया है। आप लोग अभी क्या करना होगा, इसको जो राइट से लेकर आप लोग यहाँ से राइट पे छुपा देना। ठीक है, इसको छुपा देना। उसके ऊपर आप लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते करके लेफ्ट साइड में आप लोगों को जो एक की आइकॉन मिल जाएगा चार नंबर पे। ठीक है, तो इसको टैप कर देना। अभी दोस्तों कर्सर को देख सकते हो टाइमलाइन पे, तो इसको आप लोग राइट में थोड़ा सा करते ही, थोड़ा सा लेके जाते ही आप लोगों को हमने जो एनिमेशन पे प्लस शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस शो हो जाएगा। उसके बाद इस टाइमलाइन का, टेक्स्ट का टाइमलाइन का जो लास्ट में आप लोगों को ले जाके इस कर्सर को फिर से एक प्लस सेट कर देना होगा। और इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से प्लस आप लोग मैंने क्लिक कर दिया। अभी क्या करना होगा, अभी कैनवास पे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो भी टेक्स्ट आपने छुपा दिया था इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करते हुए, इसको पकड़ते हुए आपको इसको लेफ्ट में ले जाना होगा। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट में घसीटते हुए ले जाना होगा, एकदम शेष जो लास्ट तक आप लोग इसको छुपा देना। ठीक है, घसीटते हुए लेके जाके छुपा देना। तो आप लोगों को काम हो गया। अभी मैं इसको प्ले करूँगा तो आप लोग देख सकते हो जो है ये जो टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है। तो इसका राइट साइड से लेफ्ट साइड से ये टेक्स्ट न्यूज़ चैनल के जैसे जा रहा है। अभी इसको धीमा करने के लिए आप लोग जो है इसका 3 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड का जो टेक्स्ट का टाइम लाइन है तो आप इसको बड़ा कर देना। ठीक है, टाइमलाइन को जो है ज़्यादा कर देना। अभी इसको प्ले करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रोलिंग टेक्स्ट है बहुत ही स्लो जा रहा है। ठीक है, अभी इस पर कुछ इफेक्ट आप लोगों को डालना होगा। तो टेक्स्ट पे आप लोग जो है आउटलाइन पे जाके इसको ऑन कर देना, तो इसका विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप लोग बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ऑन कर देना, तो इसके यहाँ पे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड का कलर आप लोग चूज कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको अभी चला रहा हूँ तो देख सकते हो तो कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इतना सुंदर जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में चलते हुए टेक्स्ट आप लोग इस तरीके से डाल सकते हो। तो वीडियो में यही था दोस्तों, आशा करते हो वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका है। मन में कोई, आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके और वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग ध्यान से रहना, खुश रहना। आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी और एक वीडियो में।